झालं सर. आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. सारे ग्रो कर रहे हैं. हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फ्रिजिस ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे. आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस शायद इस जैसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे. हम लोगों ने 2023 के सवाल को आज उठाया है. क्या देखा है इसमें? हमने ये देखा बेटा कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर मिनिमम जैसे होते ना, तो मैक्सिमम में, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम बोल सकता हूं, मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा सवाल एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे. मैं यहां पे आज प्रूफ देने वाला हूं. इसलिए इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक बच्चों शेयर करना है. क्या आप लोग शेयर कर रहे? एक बार व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करना अपने कॉलेज के दोस्तों तक. और लाइक भी मारते रहो, क्योंकि लाइक से बच्चों हमेशा मिलती है एनर्जी. तो लाइक होनी चाहिए और शेयर भी होना चाहिए. क्या तैयार हो 2023 के लिए? सबसे मेन बच्चों, आप लोगों को पेन कॉपी और टेक्स्ट बुक लेके बैठना है. क्या क्या लेके बैठोगे आप? टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन. और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहा हूं बेटा. मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs लूंगा, जो कि रिपीट 2023 की शिफ्ट वाइज MCQs लेने वाला हूं, जो कि आपके सामने है. पहला ही ये सवाल आप लोगों को बेटा, ऐसा ही सवाल रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज करते. जैसे कि यहां पे G/3 है, यहां बोला है कि ऊपर जा रही है लिफ्ट, ऊपर जा रही है, बस इस समय लिफ्ट ऊपर जा रही है और जी की वैल्यू यहां पर G/3 लिखा है. सेम सवाल बच्चों मैं आप लोगों को दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यही सवाल कितने बार रिपीट हो रहा है, कैसे हो रहा है. 7 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पे. सेम सवाल देखो. 13 मई को आया था वो, 11 मई 2023 में शिफ्ट 1 में सवाल आया था. सेम सवाल है, बस सवाल को कैसे उल्टा सिल्टा कर देते हैं और आपको पूछते हैं, यह बताने की कोशिश कर रहा हूं. यहां क्या हुआ बच्चों? यहां हम लोगों को ये जो लिफ्ट है बेटा डाउनवर्ड जा रही है. कैसे जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है, नीचे जा रही है. और ग्रेविटी दिवाली G/4. क्या आप समझ पा रहे बच्चों? क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपीट होते हैं. आई विल रिपीट. सवाल क्या होते हैं बच्चों? रिपीट ज्यादा सवाल होते. सवाल क्या होते हैं? रिपीट होते हैं. बस सवाल को कैसे उल्टा घुमा के पूछने की आदत है. मुझे यह बताना है बच्चों, सवाल रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकता है. 2022 के 2023 में सवाल आ चुके हैं, 2021 के भी सवाल आ चुके हैं. इसके अलावा एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहा है, बट उसको कैसे बाइब्रेकेशंस करना चाहिए यह समझना भी जरूरी है. तो चलो बच्चों, क्या स्टार्ट करने के लिए एक बार सब बच्चे लाइक करेंगे, मजेदार आज का सवाल होगा, क्योंकि आज का सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सवाल आप लिख के रखना बच्चों, आपको 100% काम आने वाले सवाल रहेंगे. गॉट इट बच्चों? पहले सवाल को समझना बहुत ही जरूरी होता है, तो सवाल को समझो पहले. और ये सवाल आ चुका है 11 मई 2023 में, शिफ्ट 1 में आ चुका है बच्चों. शिफ्ट 1 में आया वाला सवाल है, इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है. चलिए सवाल समझते हैं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट टी, देखते हैं. मेरे पास लिफ्ट है बेटा, ये आपके स्टेशनरी लिफ्ट है, ये अपना स्टेशनरी लिफ्ट है. और इसमें यहां पे एक इनसाइड द स्टेशनरी लिफ्ट है और इसका पीरियड जब था तब टी. और सबको पता है कि पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g. कोई टेंशन है भाई? ये पीरियड जब स्टेशनरी है तब. आप सवाल को अच्छी तरह से समझ लो. क्या बोला है? लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. मतलब ये लिफ्ट जो है बेटा, ये वेट है मेरा mg, F=mg. ये ऊपर जा रही है. लिफ्ट कहां जा रही है? अभी ऊपर, अपवर्ड बोला है.
और तब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बेटा, वो जो एक्सेलरेशन है वो जी बाई थ्री है। ओके क्या बच्चों आपको सवाल समझ में आया तो थम करो, ठीक है। पहले सवाल समझ में आया तो थम करो, क्या ये सवाल समझ में आ गया? लिफ्ट थी पहले स्टेशनरी, उसका पीरियड ये है। अभी मेरी लिफ्ट जा रही है ऊपर, अभी लिफ्ट जा रही है बच्चों ऊपर, ऊपर जा रहा है तो मुझे बताओ वेट बड़े वाला लगेगा आपको। मेरा खुद का जो वेट है ना, मुझे फील होगा कि यार मेरा वेट बढ़ रहा है ऊपर जाते समय। देखो लिफ्ट में ऊपर जब जाते तब वेट बड़े वाला लगता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ग्रेविटी बढ़ती, ग्रेविटी मतलब एम जी होती है ना, ये जो वेट है एम जी, तो जी बढ़ेगा ऐसा फील होगा। इसीलिए बेटा आपके पास जो जी इफेक्टिव होगा वो इस समय ए प्लस जी होगा बेटा। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तब ए प्लस जी लेना है, और जब लिफ्ट नीचे आएगी, अगर यही लिफ्ट मेरे पास नीचे आती तो ए माइनस जी, या सॉरी जी माइनस ए करना पड़ता है। ध्यान रखना इस चीजों का, धीमे धीमे आपको समझ में आएगा ये चीज, है ना। ओके समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ता बच्चों। तो यहां पे ए मेरे पास जी बाई थ्री है, जी बाई थ्री प्लस ये जी है। ओके तो ये हो रहा बेटा थ्री, ये जी प्लस थ्री जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो इसको फोर जी बाई थ्री लिख सकता हूं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्टिव है, और मुझे पीरियड निकालना है। इसको टी वन बोलते हैं, इसको टी टू बोलते हैं, दूसरा पीरियड इसके कारण जो हो रहा है, जो अपवर्ड जाने के कारण पीरियड, ये बताना है। तो देखते बच्चों यहां पे टू पाई रूट ऑफ यल बाई जी, जी कौन सा है, इफेक्टिव है बेटा, इफेक्टिव। ओके तो यहां पे पुट करेंगे हम लोग वैल्यू, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ यल बाई जी, जी इफेक्टिव क्या है मेरे पास, 4g बाई थ्री। तो आप लोगों को ये इतना करने की जरूरत नहीं, जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, थ्री ऊपर जाएगा, सही बेटा थ्री ऊपर जाएगा, डिवाइड का डिवाइड न्यूमोनेटर जाता है, पता होना चाहिए बच्चों। यहां पे मुझे ये t2 है, t2 है, t2 मान रहा हूं मैं इसको, तो मुझे बताओ यहां पे ये रूट थ्री बाहर लाता हूं, ये फोर का रूट टू है बेटा, समझ में आ रहा है, ये रूट थ्री फोर का रूट टू होता है। इन सभी चीजों को ब्रैकेट में लिखता हूं, टू पाई रूट ऑफ यल बाई जी, आप समझ पा रहे बच्चों, देखो टू पाई रूट ऑफ यल बाई जी, ये पीरियड है टी वन का, तो टी टू इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, और ये टी वन बेटा। क्या आपके पास जवाब है, रूट ऑफ थ्री बाई टू, टी वन मतलब टी है, तो बी ऑप्शन कितने बच्चों का आ रहा है, बी, ओके बी, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बी, यस। बच्चों क्या इतना करने की जरूरत है, तो मेरा जवाब है नो। क्या सर इसको कम समय में किया जा सकता है, हाँ जी, जो बच्चे होते हैं थोड़े शार्प, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे, उनके लिए मैं बता देता हूं, सीधी बात, नो बकवास, टू पाई रूट ऑफ यल जी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जी ऊपर जा रहा है तो सीधी बात ऐड करना है ए प्लस जी बाई थ्री, है ना, जी बाई, तो सबको समझ में आता है थ्री ये फोर जी बाय फोर होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता था मैं कि ये फोर जी, यस क्या थ्री जी, फोर जी बाय थ्री, ये थ्री इधर जाएगा, समझ में आ रहा है, सिंपल एक ही फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू बाय रूट ऑफ एल बाई जी। बट मैंने क्या बोला बच्चों आपको, इसको t इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ थ्री यल कैसे आ रहा है, ये इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। अब आपको समझ में आ गया कि t इज इक्वल टू ये रूट थ्री होगा और ये टू होगा, और टू पाई रूट ऑफ यल बाई जी मतलब t होता है। क्या आपको समझ में आया, दो ही इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जवाब जरूर मिलता है बच्चों। मैंने बोला लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब ग्रेविटी में जी बाई थ्री को ऐड करना, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रही तो माइनस करोगे, नीचे आ रहे तो माइनस करोगे, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 4g बाय है ना 3 कर दिया, 4g बाय 3 लिखा मैंने, 4g बाय 3 के ऊपर, तो रूट 3 इसका रूट ये, बाकी जो है t की वैल्यू है। सिंपल बात समझ में आई तो थम करना है ना, वरदान बुक डाउनलोड हो गई या, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्या होता है। ये समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए मैं डिटेल में बताता हूं, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स ये है कि सीधी बात नो बकवास, है ना। वरदान बुक के बारे में बताता है बेटा, ठीक है। फिलहाल में बुक नहीं अवेलेबल है, जब तक अवेलेबल नहीं होगी तब तक बात करना गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बेटा, 11 मई 2023 में शिफ्ट वन में एक शिफ्ट में इस चैप्टर पे दो या तीन सवाल आ रहे, दो सवाल फिक्स आ रहे हर शिफ्ट में इस चैप्टर में से दो। चैनल पीवाईक्यू किया तो भी चलेगा, हमारे यहां पे ब्रह्मास्त्र बुक है पीजीएमएन ऐप पे, पीजीएमएन ऐप पे ब्रह्मास्त्र बुक है, उसमें से किया तो और फायदा होगा क्योंकि उसमें मैंने सॉल्यूशन दिया खुद ने। देखते फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम कर रहा है, एसएचएम समझते बच्चों, एसएचएम सिंपल हार्मोन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, ओके पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 8 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? दिया वाला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 8 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा है मैंने एट अ सर्टन डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x, कहां से बच्चों फ्रॉम मीन पोजिशन, a इज एम्पलीट्यूड है, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, यह हमारे पास सवाल है, सिंपल सवाल है। सबको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, अगर आपको पता नहीं है तो लिख लो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा 1/2 kx2, याद आ रहा है आपको, यह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, क्या आपको पता है बच्चों, ओके। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर याद नहीं है तो 1/2 a² - x², ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कितने बच्चों को याद है? ओके ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख रहा बेटा 1/2 kx², ये 8 एज इट इज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 k(a²-x²), है ना, k स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, k इज द कोण है पता होना चाहिए, x डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड होता है। किन किन चीजों को मैं कट कर सकता हूं, देखो हाफ हाफ कैंसिल, के कैंसिल, ये x स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं 8a² - 8x², कोई टेंशन है? अगर ये इधर आता है तो डायरेक्ट 9 लिख सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आता है 8 इधर आने से माइनस और ये तो 9x², बहुत सारे बच्चे पता ही नहीं होता है 8a², है ना, सिंपल सी स्टेप है, x स्क्वायर ये इधर आया तो प्लस होगा बेटा 8x² इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 8a² पता है ना, तो ये 9 कैसे हुआ पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मुझे x स्क्वायर निकालना है तो 8a² / 9, समझे बच्चों, इसका स्क्वायर गया तो a का भी जाएगा, ये 3 और रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते बच्चों आप, 4 × 2 तो 2√2 होगा, 2√2 a, है ना, ऐसा लिख सकता हूं, तो सी ऑप्शंस को गोली मार सकते हैं। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी आ रहा है ना। सर अभी चैप्टर पन समझून संगाना पी वाई क्यू ज्ञान बेटा, देखो चैप्टर आपको वन शॉट देख के लाना है, मैंने आज एकलव्य बैच टेलीग्राम ग्रुप में वन शॉट भेजा था और ऑडियो भी भेजा कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट करके आओ, ऐसा बोल के रखा है मैंने, तो ये करना जरूरी है बेटा। बच्चों क्या इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल यहाँ का यही कर सकते हो, डायरेक्ट स्टेप कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट स्टेप कर सकते थे। जैसे मैं बता देता हूँ, हम लोगों को ये पता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² है, ये है 8, है ना, 1/2 k ब्रैकेट में a² - x², फटक से करने की आदत डालो, 1/2 k कैंसिल, बटा है 8a², ये माइनस है, माइनस का इधर आके प्लस तो 9x², समझे, तो x² गया तो ये 2 ऐसा होगा, ये a और ये 3, खत्म किस्सा, ऐसे भी लिख सकते थे। दो तीन स्टेप में आंसर निकालने की आदत डाल सकते हैं। यू सर सी उडर है ना सर जी, बोलो हम
ओके फार्मूले हमेशा हमेशा पढ़ना पड़ते हैं. ओके सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, ज्यादा टफ सवाल नहीं है. ये शिफ्ट कौन से पेपर में आ चुका है बच्चों? ये फर्स्ट शिफ्ट में दो सवाल आए थे, दोनों सवाल लिए मैंने. चलो सर 11 तारीख का सेकंड शिफ्ट में कौन से सवाल आए थे देखते हैं. सवाल देखो 11 तारीख के सेकंड शिफ्ट है ये 11 मई 2023 में शिफ्ट नंबर 2 इसमें आए वाला सवाल है. गॉट इट बेटा? इसमें आए वाला सवाल है. क्या सवाल है? सवाल को पढ़ते अच्छी तरह से. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास m है बेटा, जिसका मास क्या है आपके पास? m मास है. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया और वो उसका मास m है. क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे आप लोग जानते हैं ना, ऐसा ये कोई बक्सा होगा ऐसे, ठीक है ना, ये 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 ऐसा, समझ में आ रहा है? ओके ये ऐसा है. ठीक है, इसका एरिया फ्लोट ऑन लिक्विड मतलब क्या है? पानी के ऊपर एक लकड़ी का, लकड़ी होते ना लकड़ी, उसका एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स रखा, वो पानी में ऐसे 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 करते 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 आगे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना, वो ऑक्सुलेट कर रहा है. ऑक्सुलेशन करना मतलब ऊपर नीचे करते रहेगा. फ्रीक्वेंसी यानी इज इक्वल टू द, चलिए हम लोगों को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना चाहिए. आपको फार्मूला किसका पता होना चाहिए बच्चों? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2π रूट ऑफ a/x. ठीक है सर, ये a/x क्या है? a होता है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और x है बेटा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ओके, ऐसा फार्मूला आप लोगों ने भी देखा होगा. लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहां पे उसके ऊपर कोई फोर्स होगा जो कि फोर्स लगता है, जैसे कि f इज इक्वल टू m a लिखते हो आप लोग, सही बच्चों? ओके लिखते हो ना? ओके लिखते हैं ऐसे. तो यहां पे हम लोगों को या एक्सेलरेशन का और एक फार्मूला है, फोर्स अपॉन, ठीक है ओके चलिए. तो एक्सेलरेशन का और एक फार्मूला हो सकता है, यहां पे ये फार्मूला ना रखते हुए हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एक्स. कैसे पता है ना? कितने लोगों को पता है? ओके ये फार्मूला पता होना चाहिए. फार्मूले पता रहे तो होता है, यूटिलाइजेशन में आने चाहिए. तो एफ की वैल्यू है एम जी बाय एक्स, लेकिन मास क्या है? ध्यान देना बेटा, इसमें ये ई लिखा है, ये ई नहीं है, रो है, आई थिंक रो होना चाहिए, रो है वो डेंसिटी. देखते मास का फार्मूला है यहां पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. एक्चुअली डेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, सही बेटा? हाँ डेंसिटी भी है. चलिए तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ए इंटू एक्स लिख सकता हूं रो. समझ में आ रहा है बेटा? देखो एरिया इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम मतलब ए इंटू एक्स लिख सकता हूं. तो यहां पे ए एक्स रो डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से एक्स को मरवा दो, ठीक है, ए रो लिख सकता हूं मैं यहां पे. क्या लिख सकता हूं बेटा? ए रो लिख सकता हूं. और एक जी बाकी है, देखो जी बाकी है जी, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास ए रो जी, ये पुट इक्वेशन वन में करता हूं, पुट इक्वेशन वन. चलो करो 1/2π रूट ऑफ ए, ए क्या है बेटा मेरे पास? ए रो जी डिवाइडेड बाई एक्स. क्या आपके पास आ रहा है? ये कुछ तो हुआ है नहीं, एफ इज इक्वल टू ये भी एम है, कुछ तो हुआ है. यस आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, ए रो जी. इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा बेटा, है ना. यहां मास आना चाहिए था शायद, शायद ठीक है ना, बस एक्सक्यूज, ये ए ऑप्शन आना चाहिए था, ए ऑप्शन आना चाहिए था,
एफ बाई एम एक्स, यस लिख सकते हो। हाँ जी ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। यह सवाल बहुत इजी है, बस ये करना चाहिए। हाँ, के बाई एम ये जब होता है फार्मूला, ध्यान रखना ये फार्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते जब स्प्रिंग हो, तब स्प्रिंग रहा तो रूट ऑफ के बाई एम इस्तेमाल करते, ठीक है, रूट ऑफ के बाई एम इस्तेमाल कर सकते हो। ओके यस, बताओ। एकलव्य 4.0 ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पे आप लोग जा सकते हो और पढ़ सकते हैं। सवाल देखते हैं, ये शिफ्ट सेकंड में सवाल आ चुका बेटा। एक बॉडी है, इसका मास यम है, अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, हुज द अपर एंड इज फिक्स। मतलब क्या करना है, एक स्प्रिंग लिखना है, ये स्प्रिंग ले ली, इसको ये जो स्प्रिंग है बेटा ये ऐसी है, इसको स्मॉल यम जोड़ा है, देखो बॉडी ऑफ मास यम अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, लोअर स्प्रिंग में हम लोगों ने एक मास लगाया यम, अपर फिक्स एंड, अपर ऊपर का फिक्स एंड है, द स्प्रिंग हैज निग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है। व्हेन मास इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज, इट ऑक्सुलेट द टाइम पीरियड 3 सेकंड, तब उसका टाइम पीरियड था बेटा ये 3 सेकंड, उसको T1 बोलते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। नेक्स्ट, व्हेन द मास यम इंक्रीज द 1 kg, अब ध्यान देना सेम है, अब मास हमने बढ़ा दिया, मास बढ़ाने से क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ी सी ऐसी नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यम प्लस 1 लिखा है, 1 kg, तो टाइम पीरियड, तब का टाइम पीरियड था बेटा, तब का T2 बोलेंगे, इसको 5 सेकंड दिया है। देन द वैल्यू ऑफ यम, तो मास क्या होगा, क्या सवाल समझ में आ गया, ये फिगर 1 के लिए हम लोगों ने इसको T1 बोला, इसका पीरियड, इसका T1 3 सेकंड है, समझ पा रहे बच्चों, और ये फिगर बी जो है बेटा, फिगर बी, तो ये T2 है, तो T2 जो है बेटा 5 सेकंड है, कितना सेकंड है, 5 सेकंड, क्या समझ पा रहे हो। PCM ग्रुप में मॉक टेस्ट कहाँ है, PCM ग्रुप में फिजिक्स के लिए मेरे पास है, केमिस्ट्री के लिए सोइन सर, दिनेश सर, मैथ्स के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। मुझे बताओ क्या आपको पीरियड का फॉर्मूला T = √ क्या होगा, रूट ऑफ, देखो ओमेगा की वैल्यू होती है के बाई एम, तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, तो ये रूट ऑफ एम बाई के आएगा, सही है बच्चों। मेरा रिलेशन क्या क्या दी वाला, एक तो टी और मास इनका ही रिलेशन लेना है बच्चों, तो कैसे लिखोगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ मास, इस फार्मूले से पता लग रहा है, सवाल समझा ना, सवाल समझ में आ गया, डायग्राम, दूसरी डायग्राम, डायग्राम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, है ना। देखो बिना काम के कमेंट नहीं करना है, हम लोग पढ़ने आगे बेटा, ठीक है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ यम, यम इज द मास बेटा। चलिए मुझे निकालना क्या है सर, मास निकालना है, तो मैं काम कर रहा हूं T2/T1 और रूट ऑफ यम मास इसके लिए प्लस 1 है, देखो जब T2 था तब मास यम प्लस 1 है, अब जब T1 है तब मास ओनली यम लटका दिया मैंने यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, मास इसका यम प्लस 1 है, T2 के लिए, T1 के लिए यम है। बढ़ते आगे, तो T2 क्या है मेरे पास, 5 है बेटा, डिवाइडेड T2 5, T1 3 और रूट में है मेरे पास यम प्लस 1 बाय यम, स्क्वेयरिंग द बोथ साइड कर रहा हूं, बोथ साइड द स्क्वेयरिंग, तो इसका 25 होगा बेटा, इसका 9 होगा, यहां पे यम प्लस 1 डिवाइडेड बाय यम होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 25 यम होगा और ये 9 यम प्लस 9, समझ में आ रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेशन आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 25 यम माइनस होगा यहां पे आके, ये 9, समझ में आ रहा है, 25 में से 9 जाते हैं तब कितना बचता है,
तो मेरे ख्याल से 16, यस 16 यम इज इक्वल टू 9। तो आप क्या करोगे, यम मास निकालना है तो 9/16 मास का यूनिट केजी है। तो ये मेरे पास 9/16 ए ऑप्शन इज करेक्ट है। क्या आपका ए ऑप्शन आ रहा है? क्या ए ऑप्शन आ रहा बेटा? सर एकलव्य में टॉपर को कुछ नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन वेरी गुड, वाह 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 वाह, मेडिटेशन पावर, मेडिटेशन पावर ज़्यादा यहाँ पे कमेंट आप कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन 3 सर, ओके समझ में आ रहा है? ओके मैंने यहाँ पे कुछ ये लिखा है क्या? सॉरी 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 सर, इस सवाल को थोड़ा सा सॉरी यार, मुझे के लिखना था, मैंने ए ए लिखा है। मैं बोल देता हूँ कहाँ कहाँ क्या गलती होगी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है? ओके ये यहाँ के लिखना चाहिए था, सॉरी यार, ये के, क्योंकि एफ इज इक्वल टू के एक्स फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना? तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, तो ये k की ही वैल्यू मिलेगी। ओ अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, सॉरी यार। चलो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं करवा के देता हूँ। फ्रिक्वेंसी पीरियड का फार्मूला था मेरे पास, t इज इक्वल टू 2π√ है ना, यम बाई के था क्या, ठीक है? इसका उल्टा करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/m, सॉरी सॉरी शक्तिमान, देखो k बाई एम, यस किसी ने बोला था मुझे लेकिन मैंने सुना नहीं भाई तेरा, सॉरी भाई। देखते 1/2π, k की वैल्यू मेरे पास a रो g आ गया, k की वैल्यू है a रो g डिवाइडेड बाई m था, m सॉरी भाई, यस। वो थोड़ा सा फटाक से करने से भी होता सर, फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया। आएगा क्या? आएगा आएगा बेटा, आएगा आएगा। सर डेली सीईटी के लेक्चर कब से स्टार्ट हो गए? देखता हूँ बेटा, अगर आपको डेली करना है तो हमारे ऐप पे, पीजीएमएन ऐप पे हम लोग ले रहे हैं डेली, वहाँ पे भी आ सकते हो, अगर आप थोड़ा फार खर्चा कर सकते हो तो, ठीक है ना? हो सकता है कि किसी को प्राइवेट लगाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में लेते, बहुत ज़्यादा सवाल भी लेते, 100-150 के ऊपर सवाल हो चुके हैं मेरे एक एक चैप्टर पे, सोच सकते। अब पार्टिकल देखते हैं, नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, आपको पता है लीनियर एसएचएम क्या होता है? ये इसको कहते हैं मीन पोजिशन, इसको एक्सट्रीम। देखो बच्चों, ये 12 मई 2023 में सेकंड शिफ्ट में सवाल आ चुका है। ये है निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन बेटा, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, लेकिन ये स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट हो रहा है और एसएचएम कर रहा है। तो इसका कहना है कि भाई यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, ये निगेटिव, निगेटिव मीन टू, है ना, मीन टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसके लिए इसका पीरियड 4 सेकंड का है। आप समझ पा रहे बच्चों? क्या मैं दिखा दूं आप लोगों को जादू तेरी नजर कैसी होती है? इधर देखते हैं, देखो ये क्या है, समझा देता हूं। हमारे पास ये चार्जर है, ओके ये है मीन पोजिशन पे, दिखाई दे रहा सबको मीन पोजिशन। अब देखो यहां से कितना गया, यहां तक, ये एक्सट्रीम पोजिशन पॉजिटिव है, बाद में मीन पे आएगा, बाद में निगेटिव पोजिशन, बाद में मीन, इसको पीरियड कहते हैं। देखो पीरियड कैसा है, चालू हो रहा है पीरियड, देखते हैं, ये एक पीरियड, एक कंप्लीट ऑक्सुलेशन होना उसको पीरियड कहते हैं। देखो मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, मीन पोजिशन निगेटिव एक्सट्रीम मीन, इसको पीरियड कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये ओके, दिखाई तो दे रहा है सबको। कास्ट वैलिडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूअर एडमिशन, ओके तो आपको कोई भी हालत में चार्जर इज बैक खान। चलिए ओके समझ में आ रहा है। तो आपका जो पीरियड है
वो 4 सेकंड का लिखने वाला हूं मैं, कोई टेंशन है भाई, लिख दिया। व्हाट इज द टाइम, काइनेटिक एनर्जी, टाइम निकालना है, स्मॉल टी निकालना है, और रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल एनर्जी। कोई शक है मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है कि तेरे को? अच्छे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है आपके पास, वो भी पता होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला सुना होगा आपने, हाफ एम वी स्क्वायर। कितने बच्चों को पता है हाफ एम वी स्क्वायर एक फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, है ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब होता है यहां पे, तो वो होता है ए साइन ओमेगा टी बेटा, और वेलोसिटी होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, समझे बेटा? और एक्सेलरेशन होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के फार्मूले से डेरिवेटिव करते बेटा, डेरिवेटिव करना पड़ता है, ओके? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ यंग, ठीक है भाई? वेलोसिटी का ये फार्मूला, इसका स्क्वायर करो, चलो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई टेंशन है भाई तेरे को? क्या तेरे को समझ में आ रहा है भाई? समझते का ताई भाई, अक्का विचार करा पक्का, नहीं फिजिक्स वर मारा शिक्का का कळते का भावड्यांनो, ओके? अरे भावड्यांना कळते का, सोध्या सोप्या भाषेत सांगत आहे रे भावा। चल, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है मेरे पास। आप बोलेंगे सर ये क्यों डाल रहे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हम लोगों ने ये बताया सर, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा, इसमें कॉस थीटा कुछ दिया है तो कॉस होगा ना, टाइम निकालना है, इसमें तो टी नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में टी दिखाई दे रहा है क्या? कोई पीरियड दिखाई दे रहा है? कभी कभी फार्मूले अच्छे होने से भी काम नहीं चलता, दिमाग भी होना चाहिए, और वो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला। क्या बात कर रहे सर, ये तो लेटेस्ट खबर है ये तो लेटेस्ट खबर है सर, ये है ना, समझे क्या? तो चलिए मैं लिख रहा हूं 1/2 बेटा, इस चीज को यम ओमेगा स्क्वायर को के कहते हैं, के इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो यहां पे के लिख सकता हूं, बचा है यम, यस बच्चों, नहीं यम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर बाकी है, सॉरी ए स्क्वायर बाकी है, ए स्क्वायर, और क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 50% मतलब 50/100, इसको परसेंटेज में कर रहा हूं। पोटेंशियल टोटल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 के ए स्क्वायर, क्या आपको पता है बच्चों? ये हम लोग किसी टर्म को यहां पे उठाने वाले हैं, उठा ले भाई, उठा ले के को उठा ले, ए से ए को उठा ले, बचा क्या सर मेरे पास, कॉस स्क्वायर ओमेगा का भी फार्मूला याद होना चाहिए, 2π/T, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? क्या होगा 2π, नहीं तो पहले करवा देते हैं भाई, यस पहले करवा देते हैं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं ताकि पता लगे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा ये जो वैल्यू है इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं ताकि पता लगेगा कि क्या है, इसको रहने देते, पहले रहने देते, बाद में करवा देते हैं इसकी। तो ये है ओमेगा टी, ये है बेटा 0, 0 कैंसल, ये 1 जा 2 जा, समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर गया तो अगले वाले का रूट बनता है, पता है बेटा, 1 का रूट 1, 2 का पता नहीं इसे। मुझे बता यहां कॉस ला सकते हैं क्या? क्या आपको पता है बच्चों, क्या आपको ये चीज पता है कि सर कॉस है ना 45 की वैल्यू 1/√2 है, मतलब इसी को कॉस π/4 भी लिखा जा सकता है, कॉस π/4। क्या लिख रहे हैं बच्चों आप? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये कॉस 45 की वैल्यू यहां लिख के रखिए, मतलब π/4। इसी को ऐसा लिख सकता हूं, कॉस इसकी 2π/T स्मॉल टी, ओमेगा की वैल्यू डालिए, और इसको कॉस π/4, कोई टेंशन है? ये कॉस पाई की वैल्यू 2π t स्मॉल टी, 1/√2 मतलब कॉस π/4 होता है, कॉस π/4 होता है, ओके,
कोई चीज को हम लोग यहाँ पर हटाने वाले हैं, घटा सावन की हटा, इसको भी हटा, समझ में आ रहा है बेटा। अभी बचा है मेरे पास 2π T t is equal to π/4। मुझे स्मॉल t निकालना है, तो मैं जो जो चीज़ जो टर्म है उसको हटा सकता हूँ क्या? पाई से पाई को हटा दो, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल t, इधर जाएगा ये 4 2 8, समझे बेटा? देखो ये t इधर गया, 2 4 8, कैपिटल t की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4/8, तो ये 1/2 तो नहीं है लेकिन सर 0.5 है। क्या सबको आता है डिवीजन? जिन बच्चों को डिवीजन नहीं आता है बंगले पे आ जाना, समझा दूंगा भैया को। अरे भावड़ा जानना जानना खरच ये 1/2 0.5 आता नहीं, बंगले पे आना है। डी विल बी करेक्ट आंसर। या जयश, अच्छी ही बात है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइक नहीं मार रहे हैं, इस बात का दुख है बच्चों। किस बात का दुख है सर आपको? बता दो, हम लोग हल निकालेंगे। इतने सारे बच्चे लाही में रहते और मलना पड़ता है भैया, एक लाइक मार रहे बाबा, ऐसा मनाओ लगता है। अरे रे 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 भगवान उठा ले रे बाबा, ऐसे बच्चों को उठा ले। 500 कंप्लीट करना है लाइक, कौन कौन करने वाला है? 500 लाइक, लाइक मारना है लाइक। कितने बच्चे लाइक मारेंगे वहाँ पे देखता हूँ मैं, ठीक है? लाइक मांगना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है भाई। ओके बच्चों, इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन इतना नहीं करते। अगर आपकी सही में स्टडी हो तो मैं आपको हल्के में बताने की कोशिश करता बच्चों। अगर आपको ये सब फार्मूले याद हो तो, हाँ नहीं तो सर मला फार्मूले पाठ नहीं दो सर। अरे भावड़े आ कुठे नहीं नारे बेतला, हाँ है इजी लेकिन करे क्या सर? फार्मूला ही याद नहीं है तो नहीं बेटा, फार्मूला याद होता है लेकिन यूटिलाइजेशन कैसे सिखाना चाहिए, तो यूटिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कि मैं आप लोगों को फटाक से कैसे करके देता हूँ, देखो मुझे पता था काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझे पता था 1/2 k फार्मूला है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 50%, इससे ही पता लगा था 50/100 मतलब 1/2 है, तो ये 1/2 है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 सॉरी टोटल एनर्जी ये है, तो मुझे पता लगा था बेटा 1/2 ये के कैंसिल, ये कैंसिल, मुझे पता लगा इसका स्क्वायर रूट आएगा तो कॉस ओमेगा टी मिला, स्क्वायर रूट 1/2 दिया है ना, यहां कोई दिमाग नहीं लगाएगा बेटा, दिया है कि यहां पे 1/√2 वैल्यू है, इसका मतलब कॉस 45 और कॉस 45 को मैं π/4 लिख सकता हूं। यहां पे भी एक स्टेप कम कर सकते हो अगर आपका दिमाग शार्प हो तो, शार्प दिमाग वाले बच्चे ध्यान दीजिए, है ना, ये कॉस है, ओमेगा मतलब बेटा 2π/T, ये स्मॉल टी है, खत्म, कॉस कॉस कैंसल, पाई पाई कैंसल, है ना, ये स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ये 8, तो यहाँ पे पता है ना सबको ये 4 था हमारे पास, तो 1/2 मतलब 0.5, खत्म खिस्सा बच्चों। 2 या 3 स्टेप में जवाब निकाल सकते हो, प्रैक्टिस। सर तुम्ही PGMN ऐप वर 12th बोर्ड साठी एवरी टॉपिकचे PDF टाकले आहात का, बघून पेपर देऊ शकतो का बोर्डचे? हाँ नाही रे, असं काही नाही। ओ भाई कॉपी किपी करने के लिए कुछ नहीं किया है मैंने, मॉडल आंसर शीट डाला नहीं क्या आपने? मॉडल आंसर शीट डाला नहीं? मिला नहीं, इतना ठुलो तो मैं तिकडे नेऊन ठुला आता जाहिर त्या फाइल मधून मेरे फाइल बच्चों डाल देते, ठीक है डाल देते, भूल गए थे संजू भाई, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, होता है कभी कभी। नहीं नहीं डालता हूँ, आज ही डाल देते हैं, तुरंत डाल देते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ मैं और सभी को तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं, डाल देते, आज ही डाल देता हूँ, ठीक है, तुरंत ये सेशन होने के बाद तुरंत मिलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 12 मई 2023 शिफ्ट सेकंड में ये सवाल आ चुका है। क्या सवाल है सर? बहुत ही बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे, छठवां सवाल जो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये 2 चैप्टर का मिक्सचर है, कैसे सर? सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स टेकन टू द डेप्थ r/3 बिलो, डेप्थ दिया वाला है,
आर बाई थ्री बिलो द सर्फेस। द फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू बोल सकता हूं मैं कितनी होगी। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है, यहां पे दो चैप्टर कौन कौन से, सर ग्रेविटेशन आ गया, ग्रेविटेशन और ये है ऑक्सीलेशन। देखो बच्चों, हमारे पास फिजिक्स में क्यों टप जाता है सवाल, तो इसका कारण ये सेशन में समझ लेंगे। सेशन इसलिए है बच्चों कि इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके कैसे सवाल आते हैं, और इसलिए बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं ग्रेविटेशन है या ऑक्सीलेशन है। तो टेंशन मत लेना, क्या लिख रहे बेटा, सूरज बहुत बड़ा बड़ा मैसेज कर रहे है ना, सर समझ कल्याण नहीं रहे अगर, क्या लिखा है। चलिए तो यहां पे दो चैप्टर कैसे, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालना है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का अगर कौन है लेकिन सिंपल पेंडुलम का, यन इज इक्वल टू वन बाय टू पर रूट ऑफ है ना जी बाई एल होगा। यस बच्चों, लेकिन ये डेप्थ वाली ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अंदर वाली है। सिंपल पेंडुलम ऑक्सीलेट फ्रीक्वेंसी सरफेस ऑफ द अर्थ इट टेकन डेप्थ, मतलब अंदर गया, बोरिंग मशीन है, बोर किया भाई ने नीचे नीचे, और अंदर जाके प्रैक्टिकल किया बच्चों है ना, अंदर अर्थ के अंदर। तो आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डेप्थ का फॉर्मूला है जी, जब अंदर जाते तब ये फार्मूला लगाते बेटा, तब ये फार्मूला लगाते ठीक है। लेकिन डी की वैल्यू मुझे पता है, तो जी डी इज इक्वल टू जी वन, ये आर बाई थ्री, ये डी की वैल्यू है और ये का आर है, आप समझ पा रहे बच्चों। ओके या इसको ऐसे जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस वन बाई थ्री लिख सकता हूं, तो जी डी ये जी ये थ्री माइनस वन बाई थ्री पता है बेटा, तो जी डी इज इक्वल टू यहां टू जी बाय थ्री, समझे बेटा, थ्री में से वन गया तो टू जी, ये थ्री एज इट इज। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑलरेडी पता है, क्या फार्मूला है, वन बाय टू पाए रूट ऑफ यल बाय जी, लेकिन ये जी बाय यल, सॉरी जी बाय यल, सही बेटा ओके, लेकिन जी कौन सी है, डी डेप्थ वाला जी, तो यन इज इक्वल टू वन बाय टू पाए, ये जो जी डी है इसकी वैल्यू है मेरे पास 2g by 3, और यल एज इट इज, कोई टेंशन है, कोई टेंशन है भाई, मैं इसको n2 बोल रहा हूं अभी, n2 है ना, तो n2 या f2 बोलो, फ्रीक्वेंसी आपके बुक्स में फ्रीक्वेंसी के लिए f और n एक ही चीज है बेटा ठीक है। मुझे बताओ इसको रूट 2 by 3 लिख सकता हूं ब्रैकेट में 1 by 2 पाई रूट ऑफ g by l, यस बच्चों ओके। तो ये जो है ना n2 इज इक्वल टू, ये है बेटा यह फ्रीक्वेंसी, और ऐसा कोई जवाब मेरे पास नहीं है, करे क्या सर है, लेकिन वो रूट के बाहर है, रूट ऑफ टू बाई थ्री करे क्या, तो जानबूझकर आंसर आने के बाद भी गलत करने के हिसाब से यह सवाल दिया है। किसी किसी बच्चे के आंसर आते होंगे है ना, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही बच्चों, बी आंसर करेक्ट है, ओ वेरी गुड, जिन्होंने बी दिया है ना उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, कौन है भाई, ठीक है सर संजय खान साहब, ओ सर अनिल सूर्यवंशी को जानते हो क्या, यस अनिल सूर्यवंशी मेरे दोस्त है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से, अखड़ा बाड़ापुर से है, ठीक है ना, अखड़ा बाड़ापुर के, यस ऋतुजा काले मेरे दोस्त है सर, इस साल एम एस टी सी ई टी का सिलेबस कम हो गया है क्या, नहीं इस साल सी ई टी का कोई सिलेबस कम नहीं हो चुका है ठीक है, सी ई टी का कोई सिलेबस हुआ नहीं है ओके। करें क्या सर, मैंने बोला काम करते भैया, इसको यफ टू बोलते हैं, इसको यफ, इसको ऐसा लिखा तो बच्चों थ्री बाई टू लिखा तो चलेगा, रूट थ्री बाई टू, इसको उल्टा डिवाइड, देखो न्यूमॉन मतलब डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमोनेटर हो जाता है, पता है ना आपको, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, डिवाइड का डिवाइड तो न्यूमोनेटर जाएगा,
तो इसकी वैल्यू जो है बेटा ये 1.5 आएगी। यस, 3/2 मतलब डेढ़, डेढ़ कैसे 1.5 लिख सकता हूँ, समझ में आया सर? साल एमएसटी सिटी का कोई भी सर, आप कमेंट बहुत रीड करते हो, नहीं करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे बी ऑप्शंस को गोली मारना, ये दो चैप्टर का मिक्सअप किया गया है, ग्रेविटेशन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और ऑक्सीलेशन में ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कौन सा चैप्टर में से कभी कभी कैसे चैप्टर की हेल्प ले सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है आपके लिए। चलिए, मैंने बोला था आपको पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस सिमिलर वे है, सोचना सेम है, बस सोचो कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो सवाल पढ़ते हैं बच्चों, इन स्टेशनरी लिफ्ट सेम सवाल है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी है बेटा, टाइम पीरियड वहां फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड है तो आपको पता है इसका फार्मूला रूट ऑफ एल बाई जी है, सबको पता होना चाहिए पीरियड का फार्मूला जब स्टेशनरी हो। लिफ्ट स्टार्ट डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है अभी, मैंने क्या बोला था ऊपर जा रहा है, तो ऐड करो अभी यहां से जी में से ए माइनस करना पड़ेगा, तो जी ए की वैल्यू ये है, तो यहां पे जी बाय 4 होगा, मतलब जी इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है इस बात पे चर्चा हो रही है। देखो नीचे आओ, अगर मुझे बताओ लिफ्ट को अगर मैंने वायर कट कर दूं तो आपको फील होगा मेरा वेट ही नहीं है, इतने जोर से नीचे आओगे, वेट नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चों यहां पे जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमारे ग्रेविटी में से कुछ माइनस होता है ए, तो जी बाई ए, इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, कभी कभी तो जीरो एक्सेलरेशन भी हो सकता है अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो तो, ठीक है, तो जी इफेक्टिव जो लिख रहा हूं ध्यान देना बेटा, यहां पे जी माइनस ए, लेकिन ए की वैल्यू दी है हमारे पास ये जी बाय 4 ए बोल के, ठीक है, तो जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, जी ये जी बाय 4 है, तो क्या होता है 4g में से एक जी चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा, तो जी इफेक्टिव यहां 3g ये 4, क्या इस फॉर्मूले में ये T1 है, समझो T2 का सेम फार्मूला लिखूंगा, T2 पर रूट ऑफ L बाय जी इफेक्ट, ये जब स्टेशनरी लिफ्ट थी तब का कहानी है, अब ये लिफ्ट नीचे आने लगेगी तब ये फार्मूला है, ये स्टेशनरी मतलब एक जगह पे लिफ्ट थी तब ये था, अभी ये हमारी जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, तो देखते T2 इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L बाय जी इफेक्टिव, क्या मिला है मुझे 3g बाय 4 मिला है सर, 3g बाय 4 है तो ऊपर जाएगा। यस मेरे बच्चे, क्या तेरे को समझ में आ रहा है? अच्छे तो ध्यान देना बेटा, देखो T2 लिख रहा हूं, ये 4 का रूट 2 आ गया, 4 का रूट, और ये रूट 3 लिखता हूं, और ब्रैकेट में 2π रूट ऑफ एल बाय जी, समझे, समझ में आ रहा है, ये 2π रूट ऑफ एल बाय जी, रूट 4 का 2, तो ये तो टी है सर, तो T2 इज इक्वल टू 2 रूट 3, और ये T1 होगा, T1 मतलब टी होता है, तो 2 रूट 3 टी, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर करेक्ट दे रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सही में ये बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात की खुशी मुझे है ना। एनर्जी का फार्मूला है, क्या आपको पता है बच्चों? ओके ओके, चलिए समझ में आ रहा है क्या, आगे बढ़ सकता हूं? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि इसकी मुझे बुक मिले तो मैं दिखा देता हूं, जो जो बच्चे को बुक चाहिए बुक का ऑर्डर भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि बुक के ऑर्डर लेना चाहते हैं, बुक ये बुक ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आपको बुक चाहिए फार्मूले की तो फार्मूले की PCM ग्रुप की ये जो ग्रुप है 260 में विथ ऑर्डर घर पे आ जाएगी बच्चों, बाय फ्रॉम व्हाट्सएप नंबर पे भी ये नंबर है 9307-4143, इस पर दे सकते हो अगर ऑर्डर देना है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा सवाल चालू है अभी ये 8 नंबर का, बहुत ईजी है,
जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अच्छा उनको पता होता है, सिंपल सी बात है बेटा, मैं एक ही सेकंड में ये सवाल सॉल्व कर सकता था, सही में बोल रहा हूँ, एक सेकंड में। कैसे? डायग्राम देखते ही दिमाग में आया था कि ये और ये पैरेलल है, पैरेलल वाले को स्प्रिंग को ऐड किया जाता है, पता है आपको ये 3K है, और सीरीज वाले को रेसिप्रोकल किया जाता है तो ये K होता है। आपको कैसे पता लगा सर? सही से बताओ सर। भाई देखते ही देखते मुझे ये पसंद आ गया, के प्लस टू के थ्री के ऐड किया जाता है, और सीरीज में हो तो फार्मूला होता है सीरीज के लिए के एस इज इक्वल टू के बाई एन, यानी इज द नंबर ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। के कितना है बेटा इसका? 2K, सेम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम स्प्रिंग हो तो डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल के, समझे? अब ये दोनों पैरेलल है, आपको कैसे पता लग रहा है सर ये पैरेलल है बोल के? ध्यान रखना, पैरेलल कैसे पहचानते? अगर एक रिजिड सपोर्ट हो और एक ब्लॉक हो, उसके बीच में अगर स्प्रिंग होती है तो वो पैरेलल। देखो इसको अगर इधर लाओ, ऐसे उठाओ, इधर ला लो, ऐसा लगेगा ये कंडीशन लगेगा, ये कंडीशन। देखो अगर इसको उठा के इधर ला लिया तो ये पैरेलल है, तो के इफेक्टिव बोल सकता हूं मैं। देखो यार रेजिस्टेंस यहां पे उल्टा ये है स्प्रिंग का है, स्प्रिंग में सीरीज को ऐड किया जाता है रेजिस्टेंस के उल्टा, ठीक है? इफेक्टिव के 3K प्लस के इज इक्वल टू 4K, खत्म किस्सा। जो बच्चे इतने नादान है वो मेरे बंगले पे आ जाना, मैं समझा दूंगा। बच्चों फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2π√K/m, ये इफेक्टिव है, लेकिन के इफेक्टिव इस डायग्राम को देख के, फार्मूले में सिंपल सी बात थी इसलिए बोला मैंने, मुझे देखते ही देखते पसंद आ गया भैया ये 4K और ये m, खत्म किस्सा। जो ऐसा आंसर होगा 1/2π√4K/m बी ऑप्शन से बेटा। क्वेश्चंस को देखते ही देखते समझ में आया था कि ये होगा 3, ये होगा के, ये ब्लॉक मास और रिजिड सपोर्ट के बीच में जब होता है तब पैरेलल होता है, पैरेलल में ऐड, तो 1+3 4K, डायरेक्टली 4K, के की जगह पे 4K डालो। सबसे सिंपलेस्ट मेरे हिसाब से यही सवाल होगा, वो देखते ही देखते भैया, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बच्चों, ठीक है? प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सच्चे मन से एक बार लाइक करेंगे। संडे तुम तो पुणे से हो, क्या है बेटा हम लोग बिना काम के कमेंट करने नहीं आए हैं, आंसर बताओ आंसर। आगे बढ़ते, इजी सवाल है, 12 मई 2023 शिफ्ट नंबर 1 में ये सवाल आ चुका है, 12 मई, कितने 12, देखते बच्चों फटाक से करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, अच्छी तरह से पढ़ो। सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यक्स इसका 0 बच्चों, मतलब स्टार्टिंग मीन पोजीशन से स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने अभी पेंडुलम दिखाया चार्जर, वो विद एम्पलीट्यूड ए पीरियड टी द सिंपल पेंडुलम द स्पीड क्या होगी, यक्स इज इक्वल टू ए, ये है ये सवाल 12 मई 2023 शिफ्ट 1 में आपका सवाल आ चुका है, इजी सवाल है, हर बच्चा जानता होगा इसका आंसर बच्चों। स्पीड निकालना, स्पीड का फार्मूला बोलो, ओमेगा रूट ऑफ ए, ए कौन है एम्पलीट्यूड, माइनस यक्स स्क्वायर। बच्चों इसका ए लिखते हैं कैपिटल ए लिखते हैं, हमने ए इस्तेमाल स्मॉल करो कैपिटल कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारी MHT CET बच्चों है ना, क्या फर्क नहीं हो रहा है। चलो वी ओमेगा का फार्मूला 2π/T, जिनको पता नहीं है ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/T, एक्चुअली टी का फार्मूला लिखा होगा आपने, एक ही मतलब है, ठीक है ओके। ए स्क्वेयर, हाँ सर, यक्स की वैल्यू बेटा ए स्क्वेयर बाय 4, समझे, स्क्वेयर होने के नाते इसका स्क्वेयर किया मैंने, ठीक है। तो वी 2π/T, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4a² माइनस a² बाय 4, समझ में आ रहा है, वी 2π/T, ठीक है, यहाँ पे 3a² बाय 4। अब कौन नहीं जानता बच्चों, हर बच्चा जानता होगा कि 2π, ये 2 बाहर आ गया, ये √3 मल्टीप्लाई a बाहर आएगा, समझ पा रहे हो ना, 4 का √2 होगा, यस,
समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हो, टू से टू को मरवा दो सर, बचा है मेरे पास पाई ए रूट थ्री बाई टी, या आपके बुक के हिसाब से या आपके क्वेश्चंस पाई ए रूट थ्री होगा बाई टी, एक ही मतलब पाई ए रूट थ्री टी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे ये खुशी हो रही है कि सभी बच्चे पहले आंसर देते हैं, ये बहुत बिग अचीवमेंट है बच्चों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो पहले ही आंसर देते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? कोई टेंशन नहीं होगा, टेंशन तो देना पड़ेगा सबको रियलिटी में अटेंशन। यस सर, बोर्ड का फिजिक्स इजी जा रहा है, सीटी का फिजिक्स हार्ड। नहीं बेटा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए बेटा, एमसीक्यूज टॉपर एडवांस में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज करवा रहा हूँ मैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा, आप सोचोगे नहीं इतने ज़्यादा। ओके चलिए, 10 नंबर का सवाल है, सोचना जरूरी है। ये 13 मई को सवाल आ चुका है बेटा, शिफ्ट नंबर 1, 13 मई को एग्जाम हुई थी मॉर्निंग 9 से 12, उसके अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है। एक सिंपल पेंडुलम है, हैज द टाइम पीरियड टी इन एयर। ओके सिंपल पेंडुलम, एयर में उसका पीरियड जो भी होगा, देखो टाइम पीरियड व्हेन कंप्लीट मर्ज इन अ लिक्विड डेंसिटी 1/8 ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। ध्यान से सुनिएगा, कोई मैंने फ्लूइड लिया, फ्लूइड समझते हो, फ्लूइड समझते हो बच्चों, फ्लूइड है ना, मर्ज किया लिक्विड के अंदर, मर्ज कर दिया मतलब एक बॉल है ये सिंपल पेंडुलम की, और वो नीचे आ रहा है ऐसा, ठीक है, नीचे ये बॉल नीचे आता होगा, आ रहा है ना, तो इसका वेट होता है बच्चों यम जी। आप जानते हैं कि यम इंटू जी, लेकिन मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। कोई टेंशन है क्या आपको, ये समझ में आता है क्या मेरे बच्चे, सही में अच्छे हैं? अरे समझ में आ रहा है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं वी रो जी, नीचे आ रहा है, लेकिन एक बियॉन्ड फोर्स लगता है बच्चों, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं इसको, अपथ्रस्ट, और ये अपथ्रस्ट फोर्स में वी रो जो है ये 8 टाइम्स है, देखो 1/8 टाइम्स देखो, है ना, द डेंसिटी 1/8 ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की डेंसिटी है, इससे 1/8 और ये जी है, ये समझ में आया क्या? थम करो, मुझे आगे जाने में हेल्प हो जाएगी, क्या ये समझ में आ गया, वी रो जी बाई 8 क्यों लिखा है? तो नेट कितना वेट होगा, नेट वेट निकालना बेटा, वेट नेट कितना है, तो ये बॉल कहां आ रही है, नीचे आ रही है ये लिक्विड के अंदर, तो ये ज्यादा है, ये इसको अपोज कर रहा है तो माइनस करो, मतलब v रो g माइनस v रो g बाय 8, ये बात समझ में आ रही है? माइनस क्यों, क्योंकि वो अपोज कर रहा है ना, मेरा जो बॉल है जो सिंपल पेंडुलम है बेटा वो नीचे आ रहा है, और इसको अपोज, अपोज वाले को सब्ट्रैक्ट करते, नेट वेट निकालने के लिए कर रहा हूं, गॉट इट मेरे बच्चे? तो नेट वेट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 8 वी रो जी, क्या निकालता हूं, वी रो जी माइनस वी रो जी, अरे 8 आएगा, मतलब ये नेट वेट है बेटा 7/8 वी रो जी, क्या समझ में आ रहा है? वेट क्या होता है बेटा, मास इनटू ये जी डैश बोलेंगे, क्योंकि नेट वेट है, जी कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्टिव कौन सी है, इसको लिखते हैं ऐसे, इसको 7/8, इसको भी यम लिख सकता हूं मैं, ये वी इंटू रो मतलब, वी इंटू रो मतलब बेटा वो मास ही तो है मास, तो यम से यम को मरवा दो, जी डैश की वैल्यू मेरे पास 7/8 जी, मुझे निकालना क्या है, ये खाली ग्रेविटी निकाली है, मुझे निकालना क्या बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ, है ना, टाइम पीरियड जब वो लिक्विड में अंदर चला जाएगा बॉब पेंडुलम, तब हमारे पास उसका पीरियड क्या होगा, ये सवाल है बच्चों मेरे पास, समझ में आ रहा है? और पीरियड का फार्मूला हर बच्चा जानता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, और g डैश बोल सकता हूँ, है ना, तो ये t इज इक्वल टू t2 बोले नहीं तो 2π√L
जी डैश मेरे पास बच्चों 7/8 जी, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ टी टू इज इक्वल टू 2π √8/7 L/g। समझे? मुझे बताओ रूट में 8/7 है इसलिए रूट के बाहर मत निकालो। तो इसी को बेटा मैं √8/7 लिखता हूँ, ब्रैकेट में मेरे पास 2π √L/g लिख सकता हूँ सेपरेट। देखो ये 8/7, ये 2π √L/g, इसको पीरियड कहते हैं, वही तो पीरियड है हमारे पास, तो √8/7 t ये मेरे पास पीरियड मिला है, √8/7 t। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चे का आ रहा है? मजा आ रहा है बच्चों? ये सवाल जो जो बच्चे सही में कर पा रहे हैं, समझो आप बहुत ही अच्छी स्टडी है, बहुत सही ट्रैक पे आप उतर गए हो, ये मैं मान के चलता हूँ। यस बच्चों, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो मैं मानूंगा यार सही में आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी और आप लोग अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, आप बिल्कुल इधर उधर ना भटकते हुए अच्छा काम करने का काम कर रहे हो, ये मैं मान के चलता हूँ। अगर इस तरीके से हो रही है, क्या सवाल लेना चाहिए तो शेयर होना चाहिए, लाइक भी होना चाहिए। अगर सर मैं टॉपर एडवांस आता घू शक्तों का घू शक्ता, जिनको टॉपर एडवांस लेना है वो ले सकते हैं। अभी भी कुछ सवाल लेने हैं, नहीं लेने बताओ। कौन सा चैप्टर? ये ऑक्सीलेशन चैप्टर बेटा, आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो थम और बच्चे भी बढ़ने चाहिए। बच्चे को लगता है कि एक घंटा हो गया, अरे बावड़ा कभी तेज जर इत गौतमी पाटिल का डांस आनला आता है ना, सबसे कातिल गौतमी पाटिल, तो बच्चे अभी एक घंटा नहीं सर 5 घंटे रुकेंगे फिर हम। लेकिन जब पढ़ने का जब आता है भैया मौका, तब हो जाता है हमारा सब कुछ धोखा। तो इसीलिए देखो यार, हाँ सही है, ये बात सही है कि हम लोगों को थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं आते, मुझे भी पता है, लेकिन पढ़ के आओ, बहुत मज़ा आएगा है ना। VGTI CS मिलेगा क्या आपको? बिल्कुल मिल सकता है बेटा, क्यों नहीं। बस आपका डिवोशन चाहिए मुझे, है ना। जो बच्चे अभी भी करना चाहते कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अभी भी ज्वाइन हो सकते। इसका फ़ायदा क्या है पता है आप लोगों को बच्चों? इसका फ़ायदा क्या है टॉपर एडवांस में ज्वाइन करने का, कि आपको बोर्ड की भी तैयारी होगी, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। सबसे एडवांटेजेस क्या है? क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा आपको, बुक मिलेगी, फार्मूला बुक भी मिलेगी, फ्री मिलेगी, फार्मूला बुक भी मिलेगी बेटा। PGMN को सिंपल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो। PGMN क्या डालोगे? PGMN को डाउनलोड करना। PGMN को डाउनलोड करने के बाद आपको बाय नाउ वहां पे ऑप्शन आएगा, जिस कोर्स पे क्लिक करोगे। कैसे सवाल है भाई? सर PGMN कैसे ज्वाइन करें? कर सकते बेटा, PGMN डाउनलोड करो। आई हेट गौतमी पाटिल, नहीं बोल रहा हूं कि वो अगर रहा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेके करते रहते हैं। चलिए ठीक है, ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये अभी अभी स्टार्ट हो चुकी, ज्यादा सिलेबस नहीं, ये भी बैच बेहतरीन है आपके लिए। उसके अलावा कुछ बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, शौर्य प्लस बैच है जो कि रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है ना, ये भी बैच है। आप लोग कोई भी बैच ले सकते हो और आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो अभी भी, ठीक है। आप इसके अंदर फायदा ये बच्चों, ये बैच करने से स्कॉलर बैच फ्री मिलती है, ये बैच लेने से स्कॉलर अभी भी बोर्ड अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, आपका फायदा ही होगा, ठीक है। डैम्प ऑक्सीलेशन क्या होता है? तो डैम्प ऑक्सीलेशन मतलब जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, डिग्रीज होता है, इसको डैम्प ऑक्सीलेशन कहते हैं। देखते हैं डैम्प ऑक्सीलेशन किसको कहते हैं, ये देखो ये कैसे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसको कहते हैं डैम्प ऑक्सीलेशन बेटा, डैम्प ऑक्सीलेशन। पता लग रहा है टॉपर प्रो बैच से? पता है ना बेटा, खान साहब आपको मैं जानता हूँ, फार्मूला बहुत ही लेट डिलीवरी कर रहे हैं। नहीं बेटा, हमने भेजा है ना, ठीक है, कब तक भरना है? अभी फॉर्म निकला नहीं बेटा, अभी फॉर्म निकला नहीं सर, अजून क्वेश्चंस प्लीज। ओके, क्वेश्चंस के लिए तैयार हो तो शेयर करो, फिर शेयर करो बच्चों, शेयर करना चाहिए ना, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो तो कैसे करूं मैं भी। चलो देखते हैं, सिंपल सा सवाल है, देखते हैं क्या सवाल। देखो मास दिया बेटा 0.04, क्या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा केजी,
शिफ्ट करते, पॉइंट शिफ्ट करते हैं हार्मोनिक SHM, यक्स जीरो है बेटा, इन्फ्लुएंस फोर्स यफ शो इन द ग्राफ, द पीरियड क्या होगा देखते बच्चों। यहां पे हम लोगों को ये फोर्स बेटा, ये लाइन किसके लिए, फोर्स के लिए, फोर्स के लिए, फोर्स, और ये यफ की वैल्यू 8 है, दिख रहा, यहां लो, यहां लो, नीचे लो या ऊपर लो, जो चाहिए वहां ले सकते हो, ठीक है। ये थीटा है बेटा, थीटा, यस, और ये है बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू, x की लाइन है ना, ये 2 मीटर है, जो भी है। अगर मैं tan थीटा निकालू, क्या निकालू बेटा, tan थीटा, क्यों निकालना मैं बताता हूं, टेंशन मत लेना, यफ का फॉर्मूला बेटा आपके पास k इंटू x, तो k इज इक्वल टू यफ बाई x निकालना है मुझे, बताऊंगा मैं, पीरियड का फार्मूला इसके लिए होता है 2 पावर रूट ऑफ, है ना, m बाई के, सही बेटा, m बाई के, ये फार्मूला पता है, तो मुझे किन पता नहीं है, तो इसीलिए बेटा tan थीटा लिख सकता हूं, tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, tan थीटा बच्चों, इसी को स्लोप कहते हैं, स्लोप, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, स्लोप। तो f की वैल्यू 8 है, x की 2 है, तो बेटा ये 4, और यही k है मेरे पास, f by x मतलब k है, तो मेरे पास पीरियड का फार्मूला है 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, चलिए t इज इक्वल टू 2 पाई, ये m कितना है मेरे पास 4 × 10⁻², k कितना है बेटा मेरे पास 4, तो 4 मल्टीप्लाई, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये रूट के बाहर हमेशा ध्यान रखना, जो पावर होती है वो आधा निकालते हैं, इसीलिए हमेशा पावर इवन में रखो, इवन समझते हो, 2, 4, 6, 7 ऐसे, 7 नहीं सॉरी, तो पॉइंट शिफ्ट होगा 0.2 पाई, और टाइम को सेकंड में गिना जाता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, समझे क्या संजू भाई, समझ में आ रहा है, हाँ ओके, ऑल इज वेल बच्चों, जेवण करायचं आहे का, संचितच्या घरी जेवायला आहे भाऊ सगळ्यांना, ज्यांना ज्यांना जेवायला यायचं ते येऊ शकतात, ताईबाई अक्का विचार करा पक्का, आणि आमच्या संचितच्या घरावर जेवण्यासाठी मारा शिक्का, लवकरात लवकर या भाऊ, मुकेश सर हे तो डरने की क्या बात है, थँक्यू बेटा, ओके ठीक है, चलिए ओके। और एक सवाल लिया जाए, सर एक सवाल को खींचो, खींचो सर खींचो, खींच लेते हैं, देखते हैं, ये सवाल है 13 मई 2023 शिफ्ट सेकंड में सवाल आ चुका है, मास है यम सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग, मतलब मैंने एक मास लिया है बच्चों, जिसको यम बोला, एक स्प्रिंग ले लिया ऐसे, और ये स्प्रिंग को मैंने ले लिया बच्चों, एक मास है जिसका मास है बेटा यम, ओके सर, बाद में सेम ये है स्प्रिंग दूसरी, लेकिन यम वन ऐड किया, एक्सटेंड द स्प्रिंग फर्दर डिस्टेंस एक्स, बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, और मास में मैंने, मेरे पास पहला मास था यम और दूसरा यम वन अटैच किया, इसलिए स्प्रिंग थोड़ी एक्सटेंड हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक्स इतने एक्सटेंड हो गए, न्यू कंबाइंड मास विल ऑक्सुलेट ऑन द स्प्रिंग विथ पीरियड, तब पीरियड क्या होगा, इसके लिए पीरियड था टी और इसका पीरियड है टी टू, ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल है, समझ में आना चाहिए, जब कोई भी चीज एक्सटेंड होती है तो यफ इज इक्वल टू एम जी और यहां के होता है, शायद आपको यफ इज इक्वल टू के एक्स यह कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यफ इज इक्वल टू के एक्स, सही है मेरे बच्चे, तेरे को समझ में आ रहा है क्या, अच्छे, यस बच्चे, लेकिन मेरे पास फॉर्मूले के हिसाब से यफ इज इक्वल टू यम इंटू जी, ये केस नंबर 1, देखो इसके लिए, पहले के लिए, ये फिगर नंबर 1 के लिए, फिगर नंबर 1 या ए बोलो, और ये फिगर नंबर बी है, तो ये कहां से लाया, ये फिगर ए से ला रहा हूं बेटा, ध्यान देना, हर चीज समझना जरूरी होता है, ओके। अब यफ की वैल्यू मेरे पास है के एक्स और ये यम इंटू जी है बेटा, यस, कोई टेंशन, ये हाँ सॉरी, ये फिगर बी के लिए होगा, यस फिगर बी के लिए, मास यम अटैच करने के कारण यम वन लिखना पड़ेगा, यम वन, ये बी के लिए, तो मुझे के चाहिए,
तो मैं यम वन जी बाई यक्स लिखूंगा, के की वैल्यू, के की, क्योंकि पीरियड की वैल्यू मुझे यहां पे डालनी है। तो इसका पीरियड निकाल रहा हूं, इसका बेटा टी टू का पीरियड निकालना चाहता हूं, टी टू का पीरियड निकाल रहा हूं, ध्यान देना बेटा, टू पाई मास कितना है यहां पे, यम प्लस यम वन, है ना, टू पाई रूट ऑफ यम बाई के, फार्मूला हमारे पास टी इज इक्वल टू पाई यम बाई के। ये फार्मूला किसके लिए बेटा, ये फिगर बी के लिए, फिगर बी के लिए, कोई टेंशन नहीं तेरे को, समझ में आ रहा है बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है। क्या मेरे पास के की वैल्यू है, ये फिगर बी के लिए है, जब मैंने मास एक्सटेंड किया तो क्या हुआ ये बता गया है, टी इज टू इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ ये यम प्लस यम वन, के की वैल्यू मेरे पास यम वन जी डिवाइडेड बाय यक्स है, तो यहां लाता हूं। क्या ऐसा ऑप्शन है सर, बट पावर हाफ है, रूट में रखो या पावर हाफ रखो मतलब एक ही होता है, तो टी टू यहां पे टू पाई, इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों ब्रैकेट में बड़े, तो ये यम प्लस यम वन इंटू यक्स डिवाइड बाय यम वन जी और ये पावर हाफ है बेटा। आप समझ पा रहे हो क्या, आप समझ पा रहे बेटा, क्या ये समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, ओके, टी इज इक्वल टू टू पाई यम प्लस यम वन यक्स यम वन, ये मुझे बी ऑप्शंस मिल रहा है, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखो आपको जो भी आंसर शीट जो बोली थी आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी याद है ना आपको, कहाँ मिलेगी पता है ना आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सॉरी फ्री मटेरियल में मिल जाएगी, ठीक है, ओके, चलो बाय 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 देते फोन कर बाय बंद करो बोलना वहां से। चलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, 230 रुपए पे किया तो फिर क्या बुक घर तक, नहीं 260 करना था बेटा, ठीक है, ओके बच्चों।